गोपालगंज हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत इन दिनों परवान पर है। एक तरफ जहां प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस मसले को लेकर सरकार पर हमला बोल चुके हैं, तो वहीं आज अचानक पटना के पीएमसीएच पहुंचे तेज प्रताप यादव ने गोपालगंज हत्याकांड में घायल गवाह और कार्यकर्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, अभी ठीक है, और बांह में थोड़ा सा दर्द उसको है और वो धीरे धीरे रिकवर होगा। और जिन लोगों ने ये सब किया है उसको भली भांति उसको सरकार से हम मांग करते हैं, जैसा कि लगातार तेजस्वी जी भी अपने बात को रखने का काम किए सरकार के सामने, और जिन लोगों ने किया है उनको जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है और जल्द से जल्द उनको जेल के अंदर नहीं डाला जाता तो छात्र और युवा, क्योंकि लड़का जो है नौजवान है और पूरा हिम्मतगर लड़का है, ऐसा हिम्मतगर लड़का मिलना नामुमकिन है। तो हम पूरे तरीके से सरकार को भी ये हम बता देना चाहते हैं कि जब तक इनके जो दोषी हैं इनकी माता को और इनके पूरे परिवार को जिस तरीके से निर्ममता से जिस तरीके से मारने का काम हो रहा है, अगर दोषी नहीं पकड़े गए तो उग्र उग्र से उग्र तेज प्रताप यादव आंदोलन करने का काम करेगा, उग्र से उग्र।